आज के वीडियो में हम रिसेंटली रिलीज हुई डॉक्टर डूलिटिल यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस मूवी का रिव्यू करेंगे। और पता नहीं क्यों नहीं लोगों को पसंद आई, इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करें। लास्ट ईयर रिलीज हुई एंड गेम के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ये फ्रेश मूवी है जो जनवरी में रिलीज हुई है, जाकर आप देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो और लोगों के ओपिनियन गए हार्ड में। अपने ओपिनियन बनाओ और मूवी को देखो, फिर डिसाइड करो कि मूवी कैसी है। मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी के साथ कैसा रहा? मैं इस मूवी के रिव्यूज देखे थे बट मैंने बोला यार 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं एंड गेम देखे हुए और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देखे हुए, तो भाई मैं तो जाऊँगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और मैंने इतना लोड नहीं लिया और जाकर मूवी देखी। मुझे तो काफ़ी पसंद आई और आप भी जाओ और देखो। थिएटर से हट चुकी है पर बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी किसी प्लेटफॉर्म पे, आप उस पर देख सकते हो इस मूवी को। और जहाँ भी लगी हुई है थिएटर में तो जाकर देखो यार, मूवी अच्छी है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो फिर एक प्लस पॉइंट है ही। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर तो कर ही सकते हैं, और चैनल सब्सक्रिप्शन तो आपकी खुद की इच्छा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर डूलिटल इस साल की फ्रेश मूवी जो अभी रिलीज हुई थी जनवरी में, और काफ़ी अच्छी मूवी है यार, बट क्रिटिक्स को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आए, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आए, इसके नेगेटिव रिव्यूज़ आए। IMDb पे इसकी 5.5 की रेटिंग है और रोटेन टमेटो पे तो ओनली 15% रेटिंग है, तो पता नहीं क्यों नहीं पसंद आई, बट ये मूवी आप इंजॉय कर सकते हो। कुछ नहीं, इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं है, कुछ 1.5 घंटे की इसकी लेंथ है और आप आराम से इसे देख सकते हो। और इसकी हिंदी डब तो बहुत शानदार करी हुई है जो आपके बच्चों को भी पसंद आएगी और आपको भी पसंद आएगी। लिटरली इसकी स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, आपको जल्दी इसके बारे में समझ में आने लगता है, आपके पहले हाफ में आपको समझ में आ जाता है कि आगे क्या होगा, बट मूवी आप इंजॉय कर सकते हो और देख भी सकते हो, आपको अच्छी लगेगी मूवी। तो सिंपल सी कहानी है कि डॉक्टर डूलिटल परेशान है उनकी वाइफ की डेथ के बाद, वो दुनिया से अलग थलग हो चुके हैं, अपने खुद के एक महल में रहते हैं, बट कोई मुसीबत आती है और फिर उन्हें वापस एक सफ़र पे निकलना पड़ता है। बहुत प्रेडिक्टेबल कहानी है बट आप इसे देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। इसकी हिंदी डब तो बहुत शानदार है जो आपको काफ़ी अच्छे एंटरटेन करेगी। मैं तो भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया था, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है मूवी। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं बट उनको हटा दिया जाए तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि VFX की कमी और बीच बीच में जानवरों की आवाज़ बात करना, और फिर उनकी लैंग्वेज को इंसानी लैंग्वेज मतलब ह्यूमन बींग वाली लैंग्वेज बोलना थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर मूवी तो इंजॉय करने वाली है और पैसा वसूल है यार, देख सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने एडवाइस करी कि मतलब मूवी ऐसी थर्ड क्लास है तो आप मत देखो, ये आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए कि मूवी देखने के बाद। आजकल ऐसा सीन हो चुका है कि मतलब आप फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते हो कोई सा भी कंटेंट, क्योंकि उसमें वल्गर प्लस अडल्ट प्लस सेक्स बहुत सारी चीज़ें जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो देखते समय, पर कुछ ऐसे भी कंटेंट है जो आप इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, उसमें से यही एक ऐसा कंटेंट है डॉक्टर डूलिटल जो आपको फैमिली के साथ देख सकते हो। और कुछ नहीं यार, 1.5 घंटे की लेंथ है तो आप आराम से देख सकते हो इसे। स्पेशली RDJ सर के साथ क्या सीन है कि उनकी मैक्सिमम फैन फॉलोइंग यही चाहती है कि वो एक्शन मूवीज करे लाइक शेरलॉक होम आयरन मैन, बट फिर उसी बीच आता है डॉक्टर डूलिटल वाला कॉन्सेप्ट जो उन्हें काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक सिंपल सोवर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पर। इसलिए मुझे लगता है कि एक पॉइंट ये भी है कि लोगों को ये मूवी पसंद है, बट मूवी तो अच्छी है, जाकर देख सकते हो। जाते जाते बस एक ही सजेशन है कि जाकर खुद देखो और खुद डिसाइड करो ये मूवी कैसी है।